क्वेश्चन इज इफ एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू पावर टी साइन टी प्लस कॉस टी, ओके, एंड वाई इज इक्वल टू ए रेस टू पावर टी साइन टी माइनस कॉस टी, देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस। देखो ये जो क्वेश्चन है आपका, इसका जो कंसेप्ट है इसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। क्या कहते हैं? पैरामेट्रिक फंक्शन। आप ये देखो, यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप किसके रिस्पेक्ट में करोगे? डी एक्स बाई डी टी। जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये होगा डी वाई बाई डी टी। अब आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो फाइनली जो डी वाई बाई डी एक्स होगा, जो इसकी वैल्यू होगी दैट इज डी वाई बाई डी टी, और जो इसकी वैल्यू होगी डी एक्स बाई डी टी, और इसको पुट करने के बाद ये वैल्यू आएगी। समझ आ गया? ठीक है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम हेयर वी विल फाइंड डी एक्स बाय डी टी। ठीक है। अब देखो ये तो कांस्टेंट है, और यहां आप देखो ये आपके पास दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा क्या हो गया आपका सेकंड फंक्शन। ये क्लियर हो गया? तो फर्स्ट फंक्शन इज एस सच एस, फिर क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, साइन टी का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस टी, और कॉस टी का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन। प्लस सेकेंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो सेकेंड फंक्शन इज एज सच एज दैट इज साइन टी प्लस कॉस टी, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ई रेस टू पावर टी का डेरिवेटिव करोगे ई रेस टू पावर टी ही आएगा। ये चीज समझ में आ रही है? अब देखो ये आपकी वाई की वैल्यू, अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर ए ई रेस टू पावर टी और यहां से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं इस ब्रैकेट से, तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। समझ में आ रही है? इसको मैं अगर ऐसे लिखूं माइनस ए ई रेस टू पावर टी विद इन ब्रैकेट कॉस टी माइनस साइन टी, तो इसका मतलब ये जो डी एक्स बाई डी टी आया, ये वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा ये मेरा माइनस वाई है। देखो बिकॉज ये तो आपका वाई है और इसके आगे माइनस है, तो ये वाला पार्ट हो गया माइनस। ये क्लियर हो गया? और ये तो आपका एज इट इज ही दिखाई दे रहा है, तो पूरा का पूरा आपका एक्स। तो बेसिकली आपका जो डी एक्स बाई डी टी है वो आपका आ गया माइनस वाई प्लस एक्स। ये क्लियर हो गया? ठीक है। इसी तरह से आप सॉल्व करोगे और यहां से आप निकालोगे डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी। देखो जब आप डी वाई बाई डी टी निकालोगे, अगेन ये तो कांस्टेंट है, फर्स्ट फंक्शन इज एस सच एस, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो साइन टी इसको फर्स्ट ले लो इसको सेकंड ले लो, अगर इसके हिसाब से कर दो, तो फर्स्ट फंक्शन इज एस सच एस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो ई रेस टू पावर टी का डेरिवेटिव ई रेस टू पावर टी, प्लस फिर सेकंड फंक्शन इज एस सच एस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करो, साइन टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस टी, और कॉस टी का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन टी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस साइन टी, तो इसका मतलब साइन टी प्लस कॉस टी। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अगेन ये तो एज इट इज ही आपका पूरा का पूरा, ये वाला पार्ट ये तो आपका एज इट इज वाई की वैल्यू है, और ये आपकी एज इट इज कॉस की वैल्यू, एक्स की वैल्यू है। ए से मल्टीप्लाई करोगे ना, ब्रैकेट है, तो ए ई रेस टू पावर टी साइन टी प्लस कॉस टी, ये आपकी एक्स की वैल्यू। ये क्लियर हो गया? अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो आप क्या लिखोगे? डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी जो है आपका ये हो गया आपका वाई प्लस, ये एक्स प्लस वाई, और ये हो गया आपका माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस एक्स या एक्स माइनस वाई। यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। देखो यही आपको प्रूव करना है, क्लियर है? ठीक है।